नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। किसी यूनियन को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए था। हम दोस्तों, फेडरेशन ने हमें इसलिए रोका कि हमने आपकी डिमांड मांगा। तो शुरुआत हो, बोलो भारत माता की। आवाज और गूंज इतनी जोर से हो, इस सरहद के उस पार पाकिस्तान के लोग हैं, उन तक आवाज सुनाई दे, बोलो भारत माता की। भारत माता की वंदे। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल 26 जनवरी के दिन यहाँ पे कार्यक्रम होता है और बहुत जोरदार होता है। पर दत्तू जी, आज जब मैं अंदर घुस रहा था तो इतना प्यारा सेट देख करके ऐसा लगा कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती। जेज में आज थोड़ी नियत में खोट आ गई थी और पीछे जितने हमारे सारे सभी को जानता हूं पर सबके नाम नहीं ले पा रहा, बहुत प्यारा शानदार सेट बनाया है। आज शाहरुख खान दुनिया के सामने दिखते हैं, हमें अभिमान है उनके प्रति। सलमान खान दुनिया के सामने दिखते हैं, अमिताभ बच्चन दुनिया के सामने दिखते हैं। वे दिखते हैं, दुनिया मान लेती है, पर इनको दुनिया के सामने दिखाने का अगर कोई प्रयास करता है, अगर कोई उसके पीछे हाथ है, तो ये सामने बैठे हुए हाथ है। ये अगर प्रयास नहीं करते तो दुनिया के सामने इनकी शक्लें नहीं दिखती। सही बात है, गलत बात है। बीच में बंसाली जी की फिल्म का चल रहा था, बड़ा पॉजिटिव रोल लिया। रोल ये था कि महारानी पद्मावती लोगों की मानता है, वो देवी माँ है, इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न करे ये भी मानता है। और हमने ये स्टैंड लिया कि तुम इतिहास को छेड़ो मत, अगर फिल्म में कुछ गड़बड़ पाई गई तो भविष्य में हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे सेट पे हम काम ही नहीं करेंगे। वो तो अपने हाथ में है या नहीं है? बिल्कुल है। सेट पे खाना अच्छा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पगार टाइम पे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बस यही एजेंडे। जो जो मेरे यूनियन का मेंबर है तो कतई ऐसा नहीं समझे कि उसके घर में जो माँ और पिता है उनके दो पुत्र हैं, एक तुम स्वयं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता ये राम कदम के खुद के माँ और पिता के समान है। और मैं दिल से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, मेरे वर्कर के घर में 2 लाख का ऑपरेशन हो, 5 लाख का ऑपरेशन हो, डरने की जरूरत नहीं है। घाटों पर बिहार सिटी मॉल के पीछे मेरा कार्यालय है, मेरा निवास है, मेरे निवास पे रविवार के दिन आ जाओ। राम कदम किसी भी यूनियन मेंबर की मां को बीमारी के लिए पैसे नहीं है करके मरने नहीं देगा, खुद के जेब से खर्चा करेगा और उसकी मां को पिता को बचाने का काम करेगा। प्रोड्यूसर मुंबई का नहीं, देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होगा। और उसकी कॉलर पकड़ने की नौबत आई तो राम कदम सबसे पहले आगे होगा, इतना ही बोलने के लिए यहां पर आया हो। और किसी प्रोड्यूसर ने मेरे वर्कर के साथ अच्छा काम किया, उसको अच्छा पगार दिया, अच्छा खाना दिया, और वो प्रोड्यूसर की उम्र मेरे पिता की उम्र के समान होगी, तो राम कदम सबसे पहले जाकर के उनके चरणों पे नमन करेगा, उनको खुद के पिता के रूप में देख करके उनको धन्यवाद देगा कि तुमने मेरे वर्कर का अच्छा सोचा। बहुत अच्छा लगा। और हम सब मजदूर ही तो हैं, और जब तक मजदूरी साथ में रखोगे तब तक मजबूती साथ में रहेगी, और जिस दिन मालिक बनने की कोशिश करेंगे उस दिन से मजदूरी हाथ में लगने लगेगी। इसलिए मैं मजदूरी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मजदूरों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने आप को भी मजदूर मानता हूँ। पहली बात ये कि आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज मजदूरों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया,
मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक स्थान पर मजदूरों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। मजदूरों की अपनी समस्याएं रही हैं और यूनियन लड़ता आया है, तो सफलता भी उनको प्राप्त, पूरी सफलता भी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग सफल होंगे निश्चित ही मजदूरों को न्याय मिलेगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों का कार्यक्रम है, अभी हमारे नेता सांसद की सोमैया जी ने कहा है, इसी तरह से कामगारों के हित में जो कुछ भी हो सकेगा शासन से प्रशासन से हम लोग पूरी जितना भी उनकी मदद होगी कोशिश करेंगे, और देश के इस 69वें गणतंत्र दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से और सेक्टर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के और सेक्टर जो सुखी है, सारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के इस सेक्टर को भी वैसा ही लाभ मिले, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की संसद की जो लेबर कमेटी है, उन्होंने यह विषय उठा लिया है। फेडरेशन के लोग हमारे पास आए थे, हमारी संसद समिति ने यह विषय सुना है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, राज्य सरकार सबसे बातचीत करके, भाई टीवी सीरियल का विकास हो, फिल्मों का विकास हो, लेकिन उनके साथ में ये छोटे मजदूर का भी विकास हो, ये हेतु हमारा रहेगा। मिनिमम वेजेस और पगार हर महीने मिलना चाहिए, 90 दिन कोई इंतजार नहीं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, स्टूडियोज में भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था, प्रोविडेंट फंड से लेकर रेगुलर वेजेस, मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसे सब विषय हम साथ में हाथ में उठाने वाले हैं। हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन को भी बुलाएंगे, जो मेजर चार चैनल है उनको भी बुलाएंगे, लेबर को भी बुलाएंगे, और एक अच्छा माहौल खड़ा करके जो फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के, डिजिटल एंटरटेनमेंट के सभी वर्कर्स के लिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे। पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की इश्तियाक जागीरदार जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो दो शब्द जो है हमारी एसोसिएशन के लिए कहें। वक्त की हमारे पास हमेशा ही कमी होती है, क्योंकि हमारे पास सुख दुख जो है फिल्म इंडस्ट्री काम ज्यादा होता है, तो रिक्वेस्ट है कि जरूरत होती है एसोसिएशन फेडरेशन को एक कम से कम शब्दों में। तो संजू भाई के नेतृत्व में जो एक इश्तियाक जागीरदार साहब जो कि मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सारी समस्याएं बची हुई थी वो सुलझाए। वही इंसान है और वही इंसानियत सिखाता है हमें, वही मानवता सिखाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस जमीन पे वहीदत के गीत गाया, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, अपना वतन यही है, अपना वतन यही है, तुम्हारा वतन यही है, हमारा वतन यही है, हम सबका वतन। ऐसा खान जो कि रजा अकेडमी के चल रहे श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एम यू दुआ जो कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के आप आई हैं यहाँ पे और हमारे फंक्शन में जरूर आइए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद यहाँ पे आई। एक तो आज गणतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो गणतंत्रता दिवस पर। और दूसरा ये कि मैं इनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरे वर्कर्स ने, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, स्पॉट बॉय हो, लाइट हो, मेकअप मैन हो, या कोई भी एक्टर, जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे, तो मुझे लगा कि मेरे को एक बार तो आके उनको ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।